नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ट्विटर पर लिखा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली समाजवादी सरकार में मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा पार्टी की ओर से यह ऐलान भी किया गया है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा। नव वर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलाएगी। यानी कि चुनाव से पहले अब अखिलेश यादव ने यह आज यूपी की जनता के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। नया साल अपने साथ जश्न के साथ ही मातम भी लाया। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की जान चली गई। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें, सभी श्रद्धालु नव वर्ष पर माता के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए वैष्णो देवी मंदिर धाम पहुंचे थे। मृतकों में से 4 लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू के कटरा में देर रात करीब 2:30 बजे श्रद्धालुओं के समूह में मचे हड़कंप की भगदड़ की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और अभी तक उत्तर प्रदेश के 4 लोगों की शिनाख्त भी हो चुकी है। इनमें आपको बता दें, गाजियाबाद निवासी श्वेता सिंह जो 35 साल की हैं, वहीं सहारनपुर निवासी धर्मवीर सिंह 35 साल के हैं, सहारनपुर के ही विनीत कुमार 38 साल के, गोरखपुर के अरुण प्रताप सिंह 30 साल के शामिल हैं। ऐसे में सीएम योगी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदि शक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ हैं, ओम शांति। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिन लोगों की जान गई उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां नहीं की थी, जबकि ये पता था कि लाखों की संख्या में हर साल इसी तरह से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही से इतने लोगों की जान चली गई। आखिर इनका जिम्मेदार है कौन? वहीं आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए हादसे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि माता वैष्णो देवी के परिसर में भगदड़ की वजह से 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु और अनेक के घायल होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि उनको। घायलों के जीवन और शीघ्र क्षति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। साथ ही आपको बता दें, हताहत के बारे में सुनिश्चित सूचना देने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठाए। तो लगातार आपको बता दें, सुबह से ही जब से ये घटना की जानकारी मिली है, तब से ही बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और सभी के सुख शांति के लिए कामना की जा रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहाँ नहीं मारा था, पहले इन्होंने अपने यहाँ छापा मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और उस समय भी
आगरा के हेवलॉक मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना हुई। आपको बता दें कि वैष्णो देवी में हुए हादसे के लिए यहां पर प्रार्थना रखी गई थी। मृतकों के परिजनों को प्रभु इस दुख को सहने की शक्ति दें, इसके लिए ये विशेष प्रार्थना की गई थी। और देश में आगे इस तरह की कभी भी कोई हादसा ना हो, इसको लेकर भी लोगों की तरफ से यहाँ पर प्रार्थना की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आगरा की, जहाँ पर चर्च में वैष्णो देवी हादसे में लोगों की गई जान और जो लोग घायल हुए हैं उनके सही सलामत होने के लिए प्रार्थना की गई। भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे थे, जिन्होंने नए साल के दिन यहां पर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। हम अपने देश के साथ साथ अपने देशवासियों के लिए भी हमेशा प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश और हमारे देशवासी सब सुरक्षित रहें, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो या कोई और हादसा हो। अब जिस प्रकार से वैष्णो देवी के दौर में एक हादसा हुआ है, कुछ हमारे भारतीय भाई बहन वहाँ पर ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, लेकिन हम उनके दुखित परिवार के लिए और उनके परिवार से संबंधित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनको शांति दे और जो हादसे ऐसे होते हैं हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसे कोई भी हादसे ना हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि बाकी दलों में और बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है, बाकी दल दलदल है और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए काम करती है। आसमान का अंतर है, बाकी दल दलदल है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए काम करती है। आज 70 साल बाद 7 साल से नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, कितने ईश्वर की कृपा है कि एक दिन का छुट्टी नहीं है, न परिवार के लिए न व्यक्तिगत जीवन के, और 7 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। और कैसे सम्मान बढ़ाते लोगों का आपको कल्पना होगा। एक तरफ आस्था का सम्मान, यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, आस्था का सम्मान बढ़ाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल रहता है, मंत्रियों के साथ भोजन नहीं करते। लेकिन जो 3 साल से मजदूर वहाँ कोरोना महामारी में मजदूर परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, काम करता है, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति होता है उसके साथ प्रधानमंत्री बैठकर भोजन करते हैं। मेरठ में सरदना विधानसभा में शनिवार का दिन सियासी माहौल से काफी गर्म रहा। शनिवार को सरदना विधानसभा के गांव सलावा में 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा की अंतिम तैयारियां की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी लोकदल गठबंधन सरदना प्रत्याशी के दावेदार अतुल प्रधान ने सैनी समाज सम्मेलन कर बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। सैनी समाज सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और ऐसे में आपको बता दें कि सैनी समाज हमेशा से ही बीजेपी का वोटर माना गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के यहां पर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरठ के एक होटल में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शाकिर अली ने बताया कि 28 दिसंबर को आजाद समाज पार्टी के मेरठ शहर के महानगर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य शहजाद शेख, मेरठ मंडल प्रभारी एडवोकेट सदाकत अली और मेरठ उपाध्यक्ष आबिद अली आजाद समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और काफी समर्थकों के साथ कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को मेरठ के जिमखाना मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर और कई प्रदेशों के कुछ वरिष्ठ नेतागण और मंत्रियों के आने का प्रबंध किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी साहब के प्रतिनिधित्व करते हुए आज मेरठ आया हूँ। सबसे पहले तो
28 दिसंबर को इस शहर के आज़ाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी शहदार शेख नगर अध्यक्ष और मंडल प्रभारी सदाकत अली एडवोकेट इमरान प्रतापगढ़ी साहब की मौजूदगी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। उस ज्वाइनिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी विभाग के राजेश लिलोटिया जी भी थे, मैं भी था और काफ़ी लोग आए थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे। अब ऐसी ज्वाइनिंग मेरठ की धरती ने यह बता दिया उस दिन कि मेरठ से कोई ज्वाइन करने गया तो कांग्रेस को महसूस कराया कि मेरठ क्या चाह रही है। अगर इस देश से बीजेपी को कोई हटा सकता है तो कांग्रेस ही है और कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। उसी चीज़ें छोटी पार्टियाँ बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अपना इंसान को भविष्य देखना चाहिए। क्या आप महसूस कर रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी में आपका भविष्य नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, भविष्य मतलब कुछ अंदर से ना अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। कुछ ऐसी बात देखी वहाँ जो नागवारा मुझे राधे श्याम की पद यात्रा आगरा पहुंची। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के गांव जयापुर से ये पद यात्रा निकली थी। आपको बता दें कि राधे श्याम 5 साल से जन जागरण अभियान में ये पद यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में पद यात्रा पहले भी निकल चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये राधे श्याम की पद यात्रा आगरा पहुंची, बनारस के गांव से ये पद यात्रा निकली है और इससे पहले तमाम राज्यों से ये पद यात्रा होते हुए निकल चुकी है और ऐसे में अब ये पद यात्रा आगरा पहुंच चुकी है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जयपुर गांव, जिन्होंने जो गांव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था, उस गांव से पैदल यात्रा करके अपने साथियों के साथ हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी सहित सारे विपक्ष के नेताओं से भी मांग करेंगे कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। इस देश में जो सरकारी सुविधा लेता है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है, इस सवाल के लिए हम लोग निकले हैं। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सड़क किनारे पड़े मिले एक शव का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए हत्या के आरोपियों से तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस को 24 घंटे को रावली रोड पर सड़क किनारे एक शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ती गई, वैसे ही मामला चौंकाने वाला सामने आया। दरअसल अवैध संबंध को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यद्यपि 4 बदमाशों ने उसको गोली मार करके 21 तारीख को ही मार करके वहाँ पर छोड़ दिया था, उनके परिजनों द्वारा 3 के खिलाफ नामजद FIR दिया गया, दीपक, इंदर और जितेंद्र के खिलाफ 1 अभियुक्त प्रकाश में आया है। इसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दीपक, इंदर और सपन की, 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी जितेंद्र की शेष है। चंदौली जिला मुख्यालय के बैंक ऑफ इंडिया शाखा सदर में चोरों द्वारा छत में सेंध लगाकर बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बैंक में चोरों ने नए साल को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। अभी चोरी के संबंध में बैंक के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल 31 दिसंबर की रात में चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। 1 जनवरी को जब बैंक खुला तो चोरों ने बैंक में सेंध लगाकर पुलिस को चुनौती देने के साथ साथ बैंक की भी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया है, जिसमें अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक CEO सदर अनिल राय ने बताया है कि बैंक में छत काटकर चोरों ने प्रवेश किया था और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें से केवल मात्र 28,000 सिक्के ही बैंक से गायब होने की बात सामने आई है। बैंक के जोनल मैनेजर और सिक्योरिटी इंचार्ज मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे जब बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब ने अपना ताला खोला और अंदर प्रवेश किए तो लॉकर रूम में उन्होंने देखा एक कुछ छितराई हुई है। जब इन्होंने ऊपर नीचे देखा तो एक छेद ऊपर नज़र आया, उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई और इसको पूरे घटनास्थल का जांच पड़ताल किया तो ये पाया गया कि छेद मार करके चोरी की गई है, जिसमें लॉकर कट टूटने की वजह से और कैश नहीं जा पाया है।
मैनेजर साहब को ये बताना है कि चिल्लर पैसे जो सिक्के होते हैं वो एक बोरी में रखे गए थे, करीब 28,000 रुपए थे, वो चोरी गए, उनका ही कहना है, लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि वो चोरी गए। और यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे की डर भैया। तो अपना ने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। यूपी के पीलीभीत जनपद के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव पृथ्वीपुर में इकबाल नाम का एक व्यक्ति जनसेवा केंद्र चलाता था, लेकिन कल देर शाम जब वो अपनी जनसेवा केंद्र बंद करके अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था तो रास्ते में प्रशांत गंगवार नाम के लुटेरे ने उसे तमंचे के बल पर लूट लिया। आनन फानन में उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही SP दिनेश कुमार ने 4 टीमों का गठन कर दिया, जिसमें बिल संडा पुलिस, बरखेड़ा पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया और इन सभी टीमों ने इतनी तेजी के साथ अपना जाल बिछाया और 3 घंटे में ही लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने उसके पास से लूटे गए 2,11,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल, तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। वहीं SP दिनेश कुमार ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। थाना बरखेड़ा का मामला है। एक इकबाल अहमद नाम के व्यक्ति जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं, वो अपने वापस घर लौट रहे थे, उनके पास कैश भी था, लैपटॉप, बैग और फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारी चीज़ें थी। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीछे से उनको ओवरटेक करके, उनके साथ मारपीट करके, उनसे सारे सामान छीन के वहाँ से मौके से फरार हो गए। तो ये सूचना मिलते ही SHO बरखेड़ा मौके पर पहुंच गए थे, CO बीसलपुर पहुंच गए थे। मुरादाबाद में 31 दिसंबर की पार्टी में बीजेपी के 2 पक्षों में जमकर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई। आपको बता दें, बिलारी सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नरेश यादव के पुत्र निखिल यादव और अभिषेक चौबे के समर्थकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के अभिषेक चौबे ने आरोप लगाया है कि बिलारी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांग रहे नरेश यादव के बेटे निखिल यादव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला और बच्चों के साथ मारपीट और अभद्रता की। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के अभिषेक चौबे का आरोप यह भी है कि पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने निखिल यादव के साथ मिलकर उल्टा उन्हीं के साथ मारपीट की। फिलहाल अब पुलिस दोनों तरफ की तहरीर लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संभल में पेट्रोल पंप पर एक दबंग की गुंडई देखने को मिली। आपको बता दें कि दबंग ने सेल्समैन को जमकर पीटा और पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई की। हालांकि पास के लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लाइव पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर दबंगई के बल पर फ्री डीजल देने से मना करने पर यह मारपीट की वजह बताई जा रही है और ऐसे में संभल के SP चक्रेश मिश्रा ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।
सिद्धार्थनगर जिले की सर्विलांस टीम द्वारा खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि सर्विलांस टीम ने 120 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, साथ ही मोबाइल पाकर अब लोगों के चेहरों पर भी खुशी देखने के लिए मिल रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सर्विलांस टीम को सफलता के लिए धन्यवाद दिया और पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल धारकों को सचेत रहने के लिए कहा और मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए भी उन्हें हिदायत दी। जनपद सिद्धार्थनगर में जो विगत दिनों में लोगों के मोबाइल गुम हुए थे, जो मोबाइल खोए गए थे या कहीं भूल गए थे लोग दुकान पे या कहीं निकल के उनके पॉकेट से गिर गए थे बस इत्यादि में, ऐसे 120 मोबाइल सर्विलांस सेल ने हमारी बरामद किए हैं। और इसमें जो जिनके मोबाइल थे वो लोग जनपद सिद्धार्थनगर के हैं, जनपद कानपुर के भी हैं, जनपद महाराजगंज के भी हैं। तो काफ़ी खुश हैं, साल के पहले दिन अपने मोबाइल पाकर काफ़ी लोगों को प्रसन्नता है। नए साल पर लखनऊ के चिड़ियाघर में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कोविड-19 का संक्रमण और ओमिक्रॉन वायरस की दहशत लोग वहां पर भूलते हुए नजर आए और हजारों की संख्या में चिड़ियाघर पर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिखाओ ना ही कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर आया। वहीं गाइडलाइंस का पालन कराते हुए ना ही वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई मौजूद था। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन और लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, साथ ही जिला प्रशासन भी। और इस तरह की स्थिति रही तो राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। पूरे देश में नए साल का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में भी लोग घरों से बाहर निकले और शॉपिंग मॉल और बाजारों में जुट गए। साथ ही ऐसे में आपको बता दें कि कुछ भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात ये रही कि लोग इस बार कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क नजर आए। आज 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं गाजियाबाद के गौर मॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ की मैं रौनक आपको दिखा देता हूँ। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह की रौनक जो है यहाँ पर है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, गाजियाबाद के गौर मॉल की तस्वीरें और लोग जो है लगातार सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही हम बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम है। पवन जी, आज न्यू ईयर है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से, कैसे सोचा था कि न्यू ईयर को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? मतलब बहुत ही अच्छा दिन है और हम काफ़ी टाइम बाद, मतलब पिछले साल इतनी सारी परेशानी से हमें झेलना पड़ा है, बट एकदम से आज एक नया साल है तो इसे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो इस बार की अगर बात की जाए तो किस तरह की गाइडलाइंस रही हैं? इस बार भी बहुत, मतलब तरीके से गाइडलाइन करी जा रही है। मतलब हम प्रॉपर जो आगे आने वाले टाइम पे कोरोना से सारी बीमारी हो रही है, इनसे हम चाहेंगे कि इस बार छुटकारा मिल सके हम लोगों को। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं यूथ जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। एक हमारे भाई हमारे सामने आए हैं। भाई आप कहाँ से आए हो? राम राम जी, यहीं से हैं जी, संजय नगर से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज न्यू ईयर आ गया है? बस जी बहुत बढ़िया, पिछले साल तो ऐसी साल ले गई हमारी बेकार, पर अब क्या हम चाहते हैं कि जो पिछली बार हुआ है अब की साल में नहीं हो। अच्छा, लेकिन केसेस फिर भी थोड़े बहुत बढ़ने लगे हैं। हाँ जी, ये तो है, दिल्ली में भी लॉकडाउन अभी सुनने लग चुका है, पर ये है कि जितना सुरक्षा हो सके उतने रखें। आपका क्या नाम है? हमारा जी दीपांशु त्यागी नाम है। त्यागी जी आप कहाँ से आए हैं? गुलडेर से आए जी, हैं सही दौरे से। तो आज आए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या क्या करेंगे अभी? आज ही घूम खाएंगे, इसमें यार है मॉल में अपने में गौर मॉल में, इसमें घूमेंगे घूमेंगे खाएंगे पियेंगे और क्या करना है, पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। हाँ जी पूरा तरह इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग इंजॉय कर रहे हैं और आप तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ जो है लगातार आ रहे हैं। एक बहन जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात कर लें। तो बहन जी कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बच्चों को भी सेलिब्रेट करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और किस तरह से अभी करने वाले हैं सेलिब्रेट? मैं क्या बताऊँ, बता दो। और हम मतलब यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और यहाँ पे मतलब घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, फुल इंजॉयमेंट होगा। हाँ जी, पिछले साल की बात की जाए नहीं कर पाए होंगे? नहीं नहीं नहीं, पिछले पे सेंटर डे जो क्रिसमस डे आया था उस पे भी हम यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए थे। चाहते हैं कि हर साल किसी से ऐसा ही जाए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा हो रहा है, इनसे भी जान लेते हैं। हाँ बताइए। हम और मैंने आए ये न्यू ईयर मनाने आए हैं, इनका ये कहना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं
लगातार आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरह से जो गाज़ियाबाद का यूथ है मॉलों में लगातार आ रहा है, और इनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो उस तरह से न्यू ईयर नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार जो है उसको पूरी तरह से मनाया जाए। हालांकि कोरोना के केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को ज़रूरत है कि वो सतर्क रहें और ओमिक्रॉन से बच कर रहें। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड। पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी मात्रा में देश में ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में ताज नगरी आगरा में भी कोरोना के मरीज फिर से निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आगरा के लोग अभी भी जागरूक नहीं है और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों पर या फिर बसों में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्रवाई तो नहीं, मैं तो सुझाव दे सकता हूँ, कार्रवाई तो कार्रवाई तो नहीं कर सकता, मैं सुझाव और निवेदन कर ही कर सकता हूँ कि ये सुझाव के लिए मैं अभी तक जब कोरोना में प्रत्यक्ष के लिए मैं खुद लगा के रखता हूँ, क्योंकि जैसे आप सामने में कभी भी जो हमारे हैं इनको भी प्रेरित करता हूँ, तो कह ही सकता हूँ कि जो है इस तरह से हमारी सरकार, हमारे जो पूरे प्रशासन इस तरह से जो है कार्रवाई कर रहा है, इसे इसकी त्रासदी झेल भी चुके हैं। इस त्रासदी को झेलते हुए हम ये निवेदन ही सबसे करता हूँ जो कि आप जो है इसकी कोरोना के नियमों का पालन करें, सैनिटाइजर प्रयोग करें। ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र के देवगढ़ के जंगल में बाघ की दहाड़ से ग्रामीणों में खौफ देखने को मिल रहा है। जंगल में बाघ के घूमने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को खोजने में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।